तो हेलो दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को लेकर कहा जा रहा है कि उनके अंदर वो दमखम है जो क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद कर सकते हैं। अब उन्होंने पहली बार इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। शोएब अख्तर ने 2003 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी सबसे तेज गेंद फेंकी थी। इस इंटरव्यू में उमरान मलिक ने कहा कि अगर वो अच्छा करते हैं और भाग्यशाली रहते हैं तो वह अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा वो भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं अच्छा करता हूं और फिट रहता हूं तो मैं शोएब अख्तर के इस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूं। अभी मैं केवल देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोच रहा हूं। 23 वर्षीय उमरान मलिक ने कहा कि वो तेज गेंदबाजी करने पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए विकेट लेने के लिए सटीक गेंदबाजी करना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कि मैच के दौरान आपने कितनी तेज गेंदबाजी की है। खेल के बाद जब हम वापस आते हैं तभी हमें पता चलता है कि मैंने क्या किया। खेल के दौरान मेरा एकमात्र ध्यान सटीक गेंदबाजी करने और विकेट लेने पर होता है। जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज दोनों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वो इस साल के अंत में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में जगह बनाने और प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी उमरान मलिक को एक बेहतरीन गेंदबाज समझते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।